राजधानी देहरादून में सीएम धामी के उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और इसके तहत ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके तहत एसटीएफ के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए विंडलस रिवर वैली के पास से एक व्यक्ति गजराज सिंह को 1 किलो 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी गजराज ने पूछताछ के दौरान बताया कि बरामद की गई स्मैक को वो धामपुर उत्तर प्रदेश से लेकर आया था। इसी दौरान एसटीएफ द्वारा पूछताछ में अन्य कई ड्रग्स तस्करों के नाम की जानकारी हुई, जिन पर अलग से कार्यवाही की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि लगातार हमारी एसटीएफ के द्वारा बड़ी रिकवरीज की जा रही हैं। जो स्टेट लेवल के ड्रग पैडलर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर एनफोर्समेंट की कार्यवाही की जा रही है। उसी क्रम में हमारी एनडीएफ की टीम के द्वारा कल देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। ये उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है इस बैग की। और ये जो तस्कर पकड़ा गया है ये मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और ये धामपुर में किसी से लेकर आ रहा था इस बैग को और इसको आगे देहरादून में और कोंटा में सप्लाई किया जाना था। इससे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, आगे लीड्स मिली हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो हमारे देहरादून में भी कुछ तस्कर हैं उनके भी नाम सामने आए हैं, उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी मात्रा में एक कमर्शियल क्वांटिटी में स्मैक की रिकवरी की गई है।